नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि सोना चोरी हो जाता है, गोल्ड चोरी होते हुए देखता है कोई इंसान, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, सपने में यदि सोना चोरी हो जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, सपने में सोना चोरी हो जाना बहुत ही बुरा माना जाता है। ये अच्छा संकेत नहीं होता है। सपने में अगर आप देखते हैं कि सोना चोरी हो जाता है, जेवर या फिर किसी भी तरह से गोल्ड चोरी हो जाता है, तो ये एक अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है आपको बहुत बड़ी धन की हानि हो सकती है। ये सपना आपको किसी बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। सपने में अगर आप देखते हैं कि आपके घर से चोरी हो जाता है सोना, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति देखता है कि उसके ऑफिस से या फिर गोल्ड शॉप से सोना चोरी हो जाता है या फिर सोने से बनी कोई चीज चोरी हो जाती है, तो ये सपना आपको आपके व्यवसाय में होने वाले बहुत बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। और अगर कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी खुद की ज्वेलरी चोरी हो जाती है, अगर उसने कुछ पहना हुआ है, गोल्ड की चेन या फिर रिंग, वो चोरी हो जाती सपने में, तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। ये सपना स्वास्थ्य खराब होने का संकेत देता है। और अगर आप सपने में देखते हैं कि किसी और का सोना चोरी हो जाता है, तो ये सपना आपको इशारा करता है कि आपको अपने लेन देन के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।